नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कानपुर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। विकास दुबे के साथियों को शरण देने का आरोप है। ओम प्रकाश पांडे, अनिल पांडे, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को शरण देने का आरोप लगा है इन लोगों पर। कानपुर पुलिस ने ये दोनों गिरफ्तारियां की हैं। आपको बता दें, शिवम नाम का एक शख्स है, शिवम दुबे और शशिकांत पांडे, इन दोनों को शरण देने का आरोप लगा है। रतीश त्रिवेदी न्यूज डिविजन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रतीश, क्या आरोप इन लोगों पर है और कब इन लोगों ने शरण दी थी इन दोनों को? ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे, इन दो लोगों को कानपुर पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। दरअसल इन लोगों पर कुख्यात अपराधी विकास दुबे को शरण देने को का आरोप है, अपने घर पर छिपाए रखने का आरोप है। विकास दुबे 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात में पुलिस वालों का कत्ल करने के बाद 2 दिन बगल के ही गांव शिवली में रहा था और उसके बाद औरैया होते हुए ग्वालियर की तरफ गया था। 6 दिन 7 दिन पुलिस लगातार विकास दुबे को ढूंढती रही, लेकिन विकास दुबे पुलिस को चकमा देता रहा। इसमें एक दिन अनिल ओम प्रकाश पांडे के घर पर विकास दुबे रुका है और इसकी सूचना जब पुलिस को लगी तो कानपुर पुलिस की टीम ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर पहुंचने के बाद इन दोनों लोगों को कानपुर पुलिस की टीम ने गिरफ्तार अपनी हिरासत में ले लिया है। ठीक है रितेश, आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने विकास को शरण दी थी अपने घर पर, इनका कनेक्शन कैसे है विकास के साथ, कैसे ये विकास को जानते हैं, क्या ताल्लुक है? देखिए, जो पुलिस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये दोनों ही विकास दुबे के दूर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और विकास पहले से ही इनके संपर्क में था। जब विकास दुबे शिवली में था उसने कई रिश्तेदारों से संपर्क साधा था और उसके बाद उसने अपना रूट तय किया था कि वो किस रूट से यहाँ से निकलेगा, क्योंकि 2 दिन तक बगल के ही गांव बिकरू जो उसका गांव था उसके बगल के गांव शिवली में वो रुक करके पुलिस का मूवमेंट और पुलिस की रेड और दबिश के बारे में जान रहा था और उसके बाद ही वो उसने गांव शिवली छोड़ा और उसके बाद औरैया होते हुए ग्वालियर के रास्ते आगे का रास्ता तय किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रतीश आपका। तो रतीश, हमें बताते हुए ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, कानपुर पुलिस ने, और इन दोनों पर आरोप है कि विकास दुबे को अपने घर में इन्होंने शरण दी थी। तो गंभीर आरोप इन दोनों पर लगे हैं और अब पुलिस की गिरफ्त में है ये दोनों। अब पूछताछ में पता चलेगा कि और कैसे कनेक्शन है। हालांकि ये दोनों विकास दुबे के अभी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।